गुड़गांव विधानसभा में शांतिनगर की परशुराम वाटिका में एक कार्यक्रम रखा गया और इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल वडोली जो है वो मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। ये कार्यक्रम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार माने जा रहे व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जी एल शर्मा के द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 36 बराबरी को सातरे को साथ रखने का दावा जो है वो जी एल शर्मा करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि हरियाणा में सही 60 दिन के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी संभावित उम्मीदवार ये कोशिश कर रहे हैं कि इस बार टिकट जो है वो उनके पास आ जाए, जीत की दावेदारी जो है वो कर रहे हैं। और इसी के तहत जब ये कार्यक्रम रखा गया तो जीएल शर्मा ने भी अपना शक्ति प्रदर्शित किया है। देखिए ये भीड़ जो है इस चीज को दिखाती है कि किस तरीके से यहाँ पर जीएल शर्मा जो है वो यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। जीएल शर्मा का दावा है कि वो 36 बिरादरी का साथ रखते हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर यहाँ से जीत हासिल करनी है तो उन्हें एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट देना बेहद जरूरी है जो कि 36 बिरादरी पर अपना दबदबा रखता है, जिसको 36 बिरादरी प्यार करती है। हालांकि इस वक्त मोहनलाल बड़ोली जो है वो ये कहते हुए साफ नजर आए हैं कि टिकट वितरण इस बार बहुत ध्यान से किया जाएगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा के अंदर जिताऊ कैंडिडेट को जो है वो टिकट देगी और यहाँ मोहनलाल बड़ोली ये भी दावा करते हुए नजर आए हैं कि क्योंकि अब की बार 2024 में बीजेपी जो है वो बहुमत से सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी अच्छे कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतारेगी और भारतीय जनता पार्टी के पास भरपूर मात्रा में ऐसे उम्मीदवार हैं। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता, हर बारी जिसको भी चुनाव लड़ाती है पार्टी, हमारा शीर्ष नेतृत्व बड़ी सूझबूझ के साथ अच्छे कार्यकर्ताओं को टिकट दे के हम चुनाव लड़ाते हैं और इसीलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी। बहुत बड़ा परिवर्तन 2024 के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा और हरियाणा प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि हरियाणा के अंदर किसकी सरकार आएगी, टिकट किसको मिलेगी, कौन जिताऊ कैंडिडेट है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल साफ है कि इस बार बीजेपी को टिकट वितरण में फूक फूक कर कदम रखना है, क्योंकि अगर थोड़ी भी चूक हुई तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक बड़ा नुकसान उठा सकती है। आपको क्या कुछ लगता है कि गुड़गांव विधानसभा से किसको टिकट मिलनी चाहिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज्यादा लोग जो है वो अपनी राय रख सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन के जरिए सभी खबरें आप तक लगातार पहुंचती रहे। धन्यवाद।